सो so, सभी भाइयों को मेरा राम राम सभी को सलाम सभी को जय है कैसे हो प्यारे भाइयों एक बार फटाफट सभी लोग आ जाइए बिल्कुल दस बज चुका है और अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है आज से हम इस चीज की आगाज करने जा रहे हैं और बस आप लोगों का साथ चाहिए एक बार आ, क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बार आप लोग बता देंगे ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना ऑडियो वीडियो क्लियर है क्लियर है चलिए so, फटाफट सभी लोग सेशन को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सभी लोग सेशन को शेयर कर दो क्योंकि आप लोगों का कोई फीस नहीं चाहिए आप लोगों का बस एक साथ चाहिए आप लोगों को पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को अपना समय खर्च करने की जरूरत है ठीक है वो भी समय वो भी क्या सभी चीज से खाना पीना खाने के बाद जब आप आराम करने जाते हो रात के दस बजे रात के दस बजे आपका एक घंटा चाहिए बस ठीक है सो माय डियर स्टार्ट कर रहे हैं आज से इंजीनियरिंग ड्राइंग और ये जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए ठीक है और भी कई सारे एग्जामिनेशन आते हैं आपको पता होगा उसमें इंजीनियरिंग ड्रॉइंग आपको बेसिक रूप से देखने को मिलता है असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम आया है उसके अंदर है टेक्नीशियन का है और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर भी निकलते रहते हैं आपको पता हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग की कितनी बड़ी महत्वता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ये आपको अभी सब पता चल जाएगा मैं सारी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ और रेलवे ने जहाँ तक कि हम देख रहे थे फोर्टी मार्क्स का तो फोर्टी नहीं है अब ये फिफ्टी मार्क्स का है ठीक है ना सिलेबस के अंदर जो बदलाव हुआ उसको लेकर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है फिफ्टी मार्क्स का है माइडियर ठीक है तो एक बार सभी लोग बताएंगे बिल्कुल सभी भाइयों को मेरा राम राम एक बार फटाफट फड़ सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा चलिए स्टार्ट करते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है आप लोग बता दो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइंग सीट को ड्राइंग सीट के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल माय डियर स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप लोग एक बार बता दूं यहाँ जो सिलेबस है इंजीनियरिंग ड्राइंग का वो क्या क्या होने वाला है सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या होने वाला है और रेलवे का क्या क्या दिया हुआ है वो सारी चीजों को मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग एंड ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट ये हमारा पहला चैप्टर है इसके अंदर हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं ड्रॉइंग बोर्ड ड्रॉइंग सीट टी स्क्वायर मिनी ड्राफ्टर ड्राफ्टिंग टेक्निक्स क्या क्या है सेट स्क्वायर प्रोटेक्टर और ड्राॅइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जैसा आपको पता होगा ये आपके पास एक बॉक्स होता था याद होगा इस टाइप का ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इसके अंदर क्या क्या होता है ठीक है ना इसके अंदर आपको पता ही होगा इसके अंदर सारी चीजें सेट स्क्वायर स्केल प्रोटेक्टर ये सारी चीजें इनके बारे में हमें सीखना है ठीक है ना इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर आपका पेंसिल भी आ जाता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आ, है सीट है ठीक है ना ड्रॉइंग सीट और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से पेंसिल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब गारंटी है कि क्वेश्चन आना तय है ठीक ना यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा अब आते हैं सेकंड पे ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइंस ठीक ना लाइंस पे आते हैं तो लाइंस के अंदर आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस पॉलीगन एलिप्स डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड ब्लॉक्स इसके बाद ड्राइंग एंगल्स एंगल्स के बारे में भी हम लोग को सीखना है मेजरमेंट एंड इट्स टाइप्स यहां फिफ्टीन डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं पंद्रह डिग्री के टेबल में पंद्रह डिग्री का जो पहाड़ा पढ़ते हो ना उसको पढ़ डालो पंद्रह 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 पैंतालीस पंद्रह चौके साठ पंद्रह पचहत्तर जितने एंगल बनते हैं फिफ्टीन डिग्री पे वो कैसे यहां बनाने हैं ये आपको पूछा जाता है कि सेट स्क्वायर में किस तरीके से हम लोग सेट करें तो हमारा ये एंगल बनेगा या सेट स्क्वायर का फिगर दे देगा दो दो सेट स्क्वायर के एक साइड से लगा देगा और पूछेगा बताओ ये कितना एंगल है फिगर के रूप में

आइसोमेट्रिक व्यू ऑब्लिक व्यू एंड परस्पेक्टिव डायग्रिक ठीक है अब देखो ये सारे व्यूज के बारे में हमें समझना है और यहाँ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करूँ तो वह आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग ठीक है ना यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ रेलवे तो को मद्देनजर रखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि रेलवे के एग्जाम को अगर देखेंगे ध्यान से ठीक है ना रेलवे के एग्जाम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आइसोमेट्रिक आपको देखने को मिलेगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमेट्रिक वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगला है इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस का डिफरेंट डिफरेंट है जस्ट लाइक आप देखो जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं उनका अलग एलिमेंट्स यहां देखने को मिलेगा पढ़ना सब पड़ेगा पाइप ज्वाइनिंग पाइप ज्वाइंट तो आपको पता होगा फिटर में है ठीक है ना इसके आगे फास्टनर ये भी फिटर का पार्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार ऑफ पाइप प्रोफाइल सेक्शन ये भी फिटर का पार्ट है ठीक है ना तो ये आपको इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जस्ट लाइक ये पाइप दो पैरेलल पाइप्स हैं पाइप्स को कनेक्ट कैसे करते हैं या इलेक्ट्रिक स्विच कैसा होता है एंड गेट कैसा होता है नॉर गेट कैसा होता है नैंड गेट कैसा होता है फास्टनर कौन कौन से होते हैं किस टाइप के होते हैं फिगर देख के आपसे पूछेगा बताओ ये क्या है ठीक है ना इस टाइप से सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपसे क्वेश्चन पूछता है तो ये आपके पार्ट हो गए ये आपका सिलेबस हो गया इसके अंदर जो है आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ड्रॉइंग सीट और स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा। आप लोगों का साथ चाहिए आप, टाइम आप हाँ परफेक्ट टाइमिंग है टेन पी एम दस बजे रात यह आपके लिए हमको जो लगता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम और बहुत ही आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो क्या आप सभी लोग इसके लिए खुश हो ठीक है तो आज से हम लोग ड्राइंग सीट को पढ़ेंगे और हां स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बता दू कि ये जो दोनों होगा ये दोनों लैंग्वेज में होगा तो इसके लिए बिल्कुल मत घबराना क्योंकि जनता दोनों है हिंदी और इंग्लिश दोनों तो जो लाइन में हिंदी में बोलूंगा वो लाइन में इंग्लिश में भी बोलूंगा मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं समझाऊंगा आपको उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है यह इंजीनियरिंग ड्राइंग पूरा का पूरा मैं उसी तरीके से लूंगा क्वेश्चन की बात करता है तो क्वेश्चन जो है माइडियर क्वेश्चन को भी देखते हुए अगर बात करूं क्वेश्चन भी इसी टाइप से हिंदी और इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश ठीक है ना तो आप देख सकते हो जैसे जस्ट लाइक क्वेश्चन क्वेश्चन में में भी ऊपर इंग्लिश लिखा लिखा है नीचे लिखा है नीचे हिंदी तो आपको उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है ठीक ना? है ना क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश का तो बाई लैंग्वेल रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सभी लोग आ गए हैं तो आगाज किया जाए बिल्कुल एक बार स्टार्ट करने से पहले सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक और जो सो रहे हैं उसको जगाइए है कि भैया चलो यार पढ़ाई करते हैं ठीक है चलिए तो शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजिन्ग ड्राइंग इंजीनियरिंग के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी तो इंजीनियर्स को आ, बहुत ही बेसिक और प्रैक्टिकल नॉलेज क्या चीजों को अपनाने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ही बेसिक नॉलेज है वेरी वेरी मतलब कहते हैं ना कि जैसे आप कोई बिल्डिंग खड़ा कर रहे हो तो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए उसकी नींव डालनी पड़ती है ना तो कोई भी इंजीनियर हो कैसा भी इंजीनियर हो उसको ये इंजीनियरिंग ड्राइंग नाम का टॉपिक पढ़ना ही पड़ता है ठीक है ना आप चाहे की हो, चाहे की हो, चाहे आईटीआई हो 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 डिप्लोमा बीटेक ठीक है ना आप एक बार आंख बंद करके सोचो कि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाई गई आप सभी को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाती है बिल्कुल क्यों क्योंकि एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए जो नींव की जरूरत होती है ठीक ना किसी मशीन को खड़ा करने के लिए कि उसके नीचे जो बेड लगाया जाता है ठीक है ना वो बेसिक वो बेस है इंजीनियरिंग ड्राइंग ठीक है ना तो वो बेस जब तक आपका मजबूत नहीं रहेगा तब तक आपको इंजीनियर कहलाने का हक ठीक है ना ये जो आपने पढ़ाई करी है इतनी सारी चीजें पढ़ाई करी है इतनी सारी चीजें सीख ली है चाहे आप किसी भी ट्रेड के हो ठीक है ना किसी भी चीज से आपने पढ़ाई करी हो अगर आपने ये इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ाए तो यानी कि सब कुछ अधूरा है ठीक है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग सीट की आपको पता होगा हम सभी लोगों ने अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग किया हुआ है और हमने क्या किया था कि सबसे पहले क्या किया था कि इस टाइप से हमारे पास कुछ था याद होगा एक इंस्ट्रूमेंट था एक ऐसे सीट था एक बोर्ड था एक स्केल लगा होता था इसके ऊपर सीट रखते थे और खड़े होकर क्या करते थे ड्रॉइंग करा करते थे क्या करते थे ड्रॉइंग किया करते थे ठीक है ना तो इस बोर्ड के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे ड्रॉइंग बोर्ड कहते हैं इसको इसके ऊपर जो सीट रखते थे ठीक है ना उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग सीट जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं ड्रॉइंग करते हैं ठीक है ना आर आर्मी वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया ठीक है ना रेलवे में सिलेक्शन हो गया पैसा आ गया तो क्या करोगे घर बनवाओगे जी सर तो क्या करते हैं घर बनवाते हैं तो क्या करते हैं आर्किटेक्चर से कहते हैं कि भैया थोड़ा घर का बढ़िया सा एक बना दीजिए जरा फोटो कैसा बनेगा घर ठीक है ना आर्किटेक्चर को करते हो ना कि घर कैसा कैसा होगा किधर क्या होगा किधर बेडरूम होगा किधर किचन होगा किधर बाथरूम होगा बढ़िया सा कहते हैं बनाने को मैप घर का मैप तो वो भी क्या करता है एक इंजीनियरिंग सीट ड्राइंग सीट लेता है और उसके ऊपर पूरा का पूरा फॉर्मा तैयार करता है ठीक है ना आप सोचो इंजीनियरिंग ड्राइंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में किसी भी चीज के कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स के लिए ये ड्राइंग होना बहुत जरूरी है अच्छा किसी मशीन को बनाना है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का होना बहुत जरूरी है जब तक आपको ड्रॉइंग सीट पर ड्रॉइंग बनाने का नॉलेज नहीं होगा ठीक है ना तब तक कुछ नहीं कर सकते अच्छा एक और चीज से यहां पता चलता है अगर आपको ड्राइंग सीट दे दी जाए ठीक है ना तो ड्राइंग सीट को पढ़ना भी आना चाहिए ठीक है ना आज जो हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ड्राइंग सीट इसको पढ़ना भी आना चाहिए तो आज इसकी क्लास में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रॉइंग सीट और उसको कैसे पढ़ते हैं ठीक है ना ड्रॉइंग सीट में जो टाइटल बॉक्स होता है उसको देखकर कैसे समझे कि इस ड्रॉइंग में क्या बना है और क्या इसका स्केलिंग है और कहां से बना है क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हर एक चीज इसके अंदर मेंशन होता है तो एक ड्राइंग सीट आपको सारी चीजें समझा सकता है ठीक है ना इस चीज को ध्यान रखिएगा एक ड्राइंग सीट जो है आपको सारी चीजें बता सकता है तो आज की इस वीडियो में ड्राइंग सीट की पूर्ण जानकारी लेंगे माइडियर एक एक चीज के बारे में समझेंगे ठीक है तो स्टार्ट कर रहे हैं माइडियर तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करूं ड्रॉइंग सीट आप मेरे हाथ में एक पन्ना देखोगे बिल्कुल ये रहा आप मेरे हाथ में एक पेपर देख रहे हो ये देख रहे हो डियर ये क्या है सर ये तो वो ए फोर पेपर है मैंने कहा हाँ ये वो ए फोर पेपर इसे क्या करते हो सर कुछ नहीं वो नोट्स दोगे ना आप उसको प्रिंट कराऊंगा ठीक है ना करवाते हो ना आप में से बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते ए फोर पेपर कहते कहते हैं ना क्यों कहते हो ए फोर पेपर क्या है ये ठीक है ना सर वो बचपन में सुना था किसी दोस्त ने बोला था ए फोर पेपर कहते हैं इसको अरे ए फोर पेपर ही सर ए फोर ही होता है क्या ए थ्री ए टू ए वन ए जीरो नाइन ए टेन ए ट्वेल्व सब क्या है सर ये पेपर का नंबर है और यही पेपर के नंबर से बना है ड्रॉइंग सीट ठीक है ना मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रॉइंग सीट होते हैं ठीक है ना अगर मैं बात करूं ड्राइंग सीट की तो ड्राइंग सीट जो होते हैं टोटल आप देखोगे जनरली जनरली अगर मैं बात करूं तो ये छह प्रकार के होते हैं कितने होते हैं सिक्स टाइप्स के होते हैं क्या होते हैं छह प्रकार के होते हैं ड्राइंग सीट कितने टाइप के के होते होते हैं हैं टाइप्स ड्राइंग सीट कितने टाइप के होते हैं माइडियर सिक्स टाइप के होते हैं छह प्रकार के ड्राइंग सीट होता है अब छह प्रकार का ड्राइंग सीट है जिसमें सब एक होता है ए जीरो ए वन ए टू ए फोर ए फाइव जनरली ड्रॉइंग सीट छह प्रकार के होते हैं अच्छा सर जनरली आप बोल रहे हैं यानी कि सा, साधारणता ये जो है ड्राइंग सीट छह प्रकार के होते हैं मतलब और भी होते हैं हाँ बिल्कुल होते हैं टोटल ड्राइंग सीट में देखने जाओगे पेपर के प्रकार में देखने जाओगे तो टोटल बारह प्रकार के होते हैं ए ट्वेल्व तक जाता है ठीक है ना सॉरी तेरह प्रकार के ए ट्वेल्व तक जाता है ए जीरो से ए ट्वेल्व तक जाता है माइडिया ठीक है ना वो भी दिखाऊंगा बट जनरली ड्राइंग के लिए जो होता है ए जीरो से ए फाइव यानी कि छह प्रकार के ड्राइंग सीट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना इसमें सबसे बड़ा जो भी मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है बहुत ध्यान से सुनना हां आपके पास कोई कॉपी हो कोई पेज हो तो जो इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूं उसको चुपचाप नहीं लिखते जाओ एक लाइन में जैसे ड्राइंग सीट छह प्रकार के होते हैं ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव दैट एक लाइन में खट से लिख दिया ये नोट्स अपना बनाते चलो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा छह प्रकार का जो ये ड्राइंग सीट यूज कर रहे हैं जो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो ड्राइंग सीट होता है वो होता है ए जीरो सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है ए जीरो जीरो से ही शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ा होता है ए उसके बाद उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा हालांकि अभी अभी मैंने आपको कहा था कि क्या आप इस चीज को जानते हो तो आपने कहा था हाँ जानते हैं क्या है ये ए फोर है सर ये क्या है ए फोर है आप सभी ने ए फोर का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया है अपनी जिंदगी में आप सभी ने इसका इस्तेमाल बहुत तरीके से किया हुआ है सर किसी को लेटर लिखना हो ठीक है ना कि बबली आई मिस यू ठीक है ना सर कुछ इंपॉर्टेंट नोट करना हो सर एडमिट कार्ड प्रिंट करवाना हो कुछ भी करना हो जनरली मैक्सिमम टाइम आपने इसको यूज किया हुआ किया है कि नहीं सर आप में में से तो तो कई सारे स्टूडेंट्स को A0, A1, के बारे में तो आज तक बच्चों ने देखा भी नहीं होगा भूल भी गए होंगे ठीक है ना या कहो तो देखा भी होगा तो उनको यह नहीं पता होगा क्या यही सीट ए जीरो थी क्या यही सीट ए वन थी उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा ना उनको पता होगा कि क्या होता है ठीक है ना याद करो जब कॉलेज में इतना बड़ा ड्रॉइंग सीट लेकर जाते थे वो कौन सा ड्रॉइंग सीट होता था सर आज तक आपने जानने की कोशिश तक नहीं की कि वो कौन सा होता था ए जीरो ए वन ए टू या थ्री क्या होता था सर ठीक है ना अभी मैं सारी चीजें बताता हूं ड्राइंग सीट का एक एक माप बताता हूं आपको ठीक है ना सबसे बड़ा जो तो ड्राइंग सीट होता है वो क्या होता है माइटियर ए जीरो होता है ठीक है ना सबसे बड़ा बिगर सबसे बिगर ठीक है ना सबसे बिगड़ सबसे बड़ा है ठीक है ना तो ड्राइंग सीट को अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा आप यहां देख रहे हो यह है A इसको फोल्ड करोगे तो क्या बन जाएगा ए वन इसको फोल्ड करो मतलब बीच मोड़ दोगे तो बन जाएगा ए वन ए वन को बीचो बीच मोड़ दोगे तो ए टू ए टू को बीचो बीच मोड़ दोगे तो ए थ्री मोड़ दोगे तो ए फोर अब दिखाता हूं ए फोर से ए फाइव कैसे बनाते हैं मेरे हाथ में क्या है ए फोर मैंने कहा बीचो बीच मोड़ दोगे देखना मैं इस चीज को प्रूफ करूंगा ध्यान से ये ए फोर है हाँ सर इसको पकड़ के ऐसे देखना ध्यान से मैंने क्या किया मैंने ए फोर है इसको पकड़ के मैंने क्या किया इसको बीचो बीच ऐसे मोड़ दिया देखना ध्यान से बहुत ही प्यार से दिखाऊंगा ठीक है ऐसे पकड़ा और ये ले जाकर ये ऐसे मोड़ दिया ये क्या बन गया सर ए फाइव हां सर ये क्या था सर ये था ए फोर इसको बीचों बीच मोड़ दिया ए फाइव सर मोड़ते किससे हैं ध्यान से देखो डियर ये ए फोर की लंबाई थी लेंथ थी हां सर वृत्त थी चौड़ाई थी जी सर ये लंबाई थी ये चौड़ाई थी ये लेंथ था ये था जी सर मोड़ा किससे लेंथ से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए अगर हम ए जीरो से ए वन पर पहुंच रहे हैं तो हम मोड़ते किसको हैं ठीक है ना हाफ किसका करते हैं तो उसकी लेंथ का हाफ करते हैं किसका हाफ करते हैं मैडियर लेंथ का अब सुनना ध्यान से इसकी लेंथ को मैंने मोड़ा तो क्या बन गया ए फाइव जी सर ए फाइव बन गया अब ध्यान से देखो अब ये ए फाइव है हाँ सर अब तुम देखो ध्यान से कौन सा लेंथ है कौन सा व्यर्थ है अब तुम ही फैसला करो लेंथ ये रहा सर और ये रहा व्यर्थ तो भाई मोड़ेंगे किस से मोड़ेंगे किससे सर इससे अरे सर ये तो मैं कई बार कर चुका हूं मैंने कहा कब अरे सर जब मैं घर से निकलता था पेपर देने और एडमिट कार्ड बड़ा होता था तो मैं ऐसे ही मोड़ के जेब में रख लेता था और मैं चला जाता था सर ऐसे ही मोड़ के मैं ऐसे जेब में रख लेता था और चला जाता था अरे सर आज पता चला ध्यान से देखिएगा सभी लोग बताएंगे ये क्या था ए फोर ये क्या हो गया ए फाइव अब क्या हो गया सर ए सिक्स अब सोचो तुम खुद सोचो डियर तुम खुद सोचो मैंने तुम्हें कहा जनरली सुनना ए फाइव तक ही करते हैं यार यहां तक ड्राइंग करना दिक्कत नहीं है इतने बड़े पन्ने में ड्राइंग की जा सकती है यार इतने बड़े पन्ने में तो तुम राशन का सामान ही लिखे होगे। ईमानदारी की बात बताओ तुमको याद नहीं आ रहा है पिताजी एक डायरी लाया करते थे जिसमें राशन का सामान लिखा करते थे कि चीनी एक किलो दाल एक किलो इस पर चाहो तो कर लो छोटे बच्चे आम बना लेते हैं इस पर क्या है ए सिक्स अब देखो ये लेंथ है और ये व्यर्थ है तो मोड़ना किस से लेंथ से क्या बनने जा रहा है ए सेवन ठीक है ना कितना क्या बनने जा रहा है माइडियर ए सेवन ठीक है ना इसको प्रॉपर अब मोड़ देंगे जैसे हम लोग एडमिट कार्ड को पेपर में जाने से पहले मोड़ के जेब में रखते हैं हाँ आज पता चला एडमिट कार्ड जो जेब में रखते हैं वो ए सेवन में मोड़ते हैं हाँ ये क्या हो गया ए सेवन अब ये उठाया ये मैंने जेब में रख लिया एडमिट कार्ड जेब में चलो पेपर देने चलते हैं मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को तो ये कैसे सीट बना है मैं आप लोग को एक बार और बता दूं ए जीरो का एक साइज था जी सर तो लोगों को कुछ समझ आए काम करते हैं जीरो को लेंथ से मोड़ देते हैं उसकी लंबाई के बीचों बीच मोड़ देते हैं ठीक है फिर ए वन को मोड़ देते हैं फिर ए टू कैसे हुआ ए टू को मोड़ने पे ए थ्री पैदा हुआ ए थ्री को मोड़ने पे ए फोर ए फोर को मोड़ने पर ए फाइव ए फाइव को मोड़ ऐसे करते करते ए ट्वेल्व तक चले गए क्यों सर क्योंकि किसी भी पन्ने को बारा बार से ज्यादा नहीं मोड़ सकते हिम्मत हो तो मोड़ के दिखा दे ठीक है अब आई मेरी बात समझ में आई बात समझ में मेरी ऐसा क्यों करते हैं बात समझ में यस और नो किसी भी पुण्य को इसे इससे नहीं मोड़ सकते इसीलिए बोले चलिए सर थोड़ा सा साइज वाइज की बात कर ली जाए अच्छा साइज की बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा अच्छा ये बताओ ये ड्राइंग सीट जो होती होगी हालांकि ये ए फोर पेपर है मेरे हाथ में बट ड्राइंग सीट आप सभी को याद होगा इतना बड़ा पन्ना जिस पे हम लोग खूब ढेर सारी ड्राइंग बनाया करते थे पता पता नहीं नहीं क्या क्या बनवाते थे नकल पाइप दुनिया भर का चीज ड्राइंग जो मोटी होती थी याद है कितनी मोटी होती थी ठीक है अच्छा ड्राइंग सीट का मटेरियल कैसा होना चाहिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए ड्राइंग सीट का मटेरियल कैसा होना चाहिए तो ड्राइंग सीट का जो मटेरियल है माइडियल यानी कि पदार्थ कैसा होना चाहिए ड्राइंग सीट का तो ड्राइंग सीट का पदार्थ कैसा होना चाहिए ड्यूरेबल होना चाहिए कैसा होना चाहिए लंबे समय तक चलने वाला होना चाहिए ऐसा होना चाहिए लंबे समय तक चले ऐसा मटेरियल होना चाहिए लॉन्ग लॉन्ग टाइम चले ड्यूरेबल होना चाहिए ठीक है ना उसकी उसके अंदर विशेषता क्या होनी चाहिए उसका इंपॉर्टेंस क्या है माइडियर क्या है ड्यूरेबल होना चाहिए मटेरियल ड्यूरेबल होना चाहिए ओके सर अब सर आते हैं इस पर सर आप बात कर रहे थे कि सर साइज वाइज की बात हो रही थी हाँ 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 तो सर देखिए ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव मैं ले आया सर आप देखिए ध्यान से। सर ए जीरो अब देखो ये चौड़ाई लंबा है लंबाई मतलब ये व्यर्थ है और ये लेंथ है ये क्या है ये व्यर्थ है और ये लेंथ है ए जीरो का साइज कितना है एट फोर्टी वन इंटू एलेवन एटी एटी नाइन ठीक है ना आठ सौ इकतालीस गुणे ग्यारह सौ नवासी अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर और ए वन की साइज ये रही ए टू की साइज ये ए थ्री की साइज ये ए फोर की साइज ये रही, A3 की ये रही, A4 की ये रही A5 अरे सर हाँ ये सब याद करना पड़ेगा याद तो करना पड़ेगा क्यों सर क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन आता है कि बताइए ए थ्री का साइज अरे छह छह साइज कैसे याद करेंगे सर तो दुनिया के सबसे बड़ा तेरह काम है कौन याद करेगा इसको

ए जीरो बहुत फेमस है क्यों क्योंकि सबसे बड़ा ड्राइंग सीट है और आपको बता दो मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है गारंटी पूछा जाता है ठीक है ना ये गारंटी पूछा जाता है माइडियर तो आठ सौ इकतालीस गुड़े ग्यारह सौ नवासी ये याद रख लो बस एक याद रख लो अब देखो किसी को भी मोड़ते हैं किस फॉर्म में लंबाई में ठीक है अब जो मोड़ते हो थोड़ा ध्यान से देखना जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना अगर रियल इंजीनियर हो रियल बच्चा हो सही में पढ़ना चाहते हो तो बहुत ध्यान से देखो इसको अगर हम बीचों बीच मोड़ेंगे तो इसकी लंबाई का आधा हो जाएगा इसकी लंबाई जब आधी हुई तो अगले की चौड़ाई बन गई अगले की चौड़ाई बन गई वो लंबाई जब आधी हुई देखो ये लंबाई थी ए फोर की हाँ सर इसको जब आधा किए ए तो फाइव का चौड़ाई बन गया लंबाई कोई और है वो उसका चौड़ाई बन गया अब देखो ए जीरो में जो लंबाई है उसका आधा करो गो सौ नवासी का आधा तो सर ग्यारह सौ नवासी बटे दो करेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आएगा दशमलव में आएगा क्यों जी? आएगा कि नहीं आएगा अरे बोलो भैया भाई, भाई दीप्ति, बबलू चिंटू कहां है Hmm. बिल्कुल पैकेज वंस अगेन बिल्कुल माय डियर ठीक है तो भैया क्या हुआ आधा हो जाएगा सर सर लंबाई का आधा कर देंगे अब देखो ग्यारह सौ नवासी का आधा इसे तो तुम ऐसे नहीं कर पा तो इसीलिए जो डेसिमल वैल्यू उसको हटा दो तो जो आया पांच सौ चौरानबे आया ठीक है ध्यान से देखिए ध्यान से क्या हो गया भैया ये क्या हो रहा है लाइट वाइट नहीं है ठीक है हाँ यार सॉरी बच्चों ध्यान से देखना नहीं पहले खेल लो अब ठीक है अब तो नहीं है अच्छा ठीक है सीधे दिमाग में घुसेगा बिल्कुल अब टेंशन मतलब ठीक है हम क्या कहें इसका आधा कर दिए हाँ सर सर इसकी लेंथ का आधा कर दिए तो अगले की लेंथ चौड़ाई बन गई बन गई ना जी सर इसकी लेंथ को आधा किया तो अगले का चौड़ाई बन गया विड्थ तो उसकी चौड़ाई पीछे वाले की चौड़ाई अब इसकी लंबाई बन गई देखो 841 यहां है तो आपको ध्यान ऐसे ही रखना है कैसे सर ट्रिक 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 क्या है ट्रिक सर ध्यान से देखोगे तो आप देखो बहुत ध्यान से देखना पीछे वाले की चौड़ाई अगले वाले की लंबाई बन रही है देख रहे हो 841 800 545 500 420 400 230 200 210 दोस्तों देख लिए 8 अब सर अब दूसरा तरीका ग्यारह नवासी का आधा पांच सौ चौरानवे आठ का आधा चार सौ बीस पांच का आधा दो सौ संतानवे चार का आधा दो सो दस दो सौ संतानवे का आधा एक सौ अड़तालीस समझ गए मेरी बात बना के दिखाओ चलो देखते हैं सर आइए सर आइए सर आइए सर आप तो मेहमान हैं सर आइए सर, आएए सर सर हमने आपसे कहा कि आपको ए जीरो याद रखना है क्या था आठ सौ इकतालीस गुणे ग्यारह सौ नवासी ठीक है ठीक है ना आठ सौ इकतालीस गुणे ग्यारह सौ नवासी क्या है ध्यान से देखना अभी मैं करके दिखा ये क्या है दिस इज यानी कि चौड़ाई और ये क्या है लंबाई यानी कि ये व्यर्थ है और ये लेंथ है लेंथ है और ये व्यर्थ है अब आपको किसका लिखना है सर मुझे ना सर मुझे ना A1 का लिखना है। तो लिखो, कुछ मत करो ध्यान से आठ से इकतालीस लिखा है ये पट से यहां भेज दो आठ से इकतालीस हाँ सर भेज दिए जी सर भेज दिए ना हाँ सर अब ग्यारह सो नवासी का आधा कर दो तो करोगे तो यह आएगा कर दो तो भाई इसको पांच सौ चौरानवे हाँ सर पांच सौ सर डेसिमल वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूं मैं सर A1 हो गया हाँ सर A2 सर ध्यान रखना सीक्वेंस में ही करना है सीक्वेंस में ही ठीक है पांच सौ चौरानवे तो पांच सौ चौरानवे यहां लिख दिया सर अब देखिए सर पांच सौ चौरानवे लिख दिया आठ का आधा सर ये क्या हो गया सर चार अच्छा सर चार होगा ना सर अरे सर ये चार सौ बीस डेसिमल वाला नहीं लिखता है ना अब आगे ए पे, चौना, ए, चार सौ बीस लिखा है सर, यहां देंगे, 420. दिया? सर. का आधा बताइए सर तो क्या होगा भाई मैं नकल मार लेता हूँ दो सौ संतानवे ठीक है ना मैं नकल मार रहा हूँ देख लो आधा करना कर लो या डिवाइड मारने का तो जानते ही है फिर एड दो सौ सन्तानवे यहाँ लिख दीजिए ना लिख दिए हाँ सर चार सौ बीस का आधा दो सौ दस होता है जरूरत ही नहीं है आहा, याद रखना ये सब कुछ क्या है मिलीमीटर में है सर A5 भी दीजिए दो सौ दस दो सो संतानवे का आधा करो जी सर कौन करे तुक्का मार्ट एक सौ अड़तालीस देखो एक सौ अड़तालीस दूनी दो सौ छियानवे ही होता है लेकिन हम लिख दिए ठीक है देशीमल वाला पार्ट नहीं लिखते दशमलव वाला हिस्सा नहीं लिखते समझ गए चिंटू अब देखो अगर तुम समझ गए माइडियर अगर तुम समझ गए माइडियर तो अब मेरे को पट से आंसर करोगे रेलवे का क्वेश्चन शुरू हो जाओ साइज ऑफ ए थ्री ए थ्री ड्रॉइंग सीट का नाप बताइए ए थ्री ड्रॉइंग सीट का नाप बताइए तो सर याद थोड़े है याद नहीं है कोई बात नहीं एग्जाम में ये आना तय है हाँ सर है तो बना तो सकते हो ना टेंशन थोड़े है हाँ सर एथरी वाले क्या होगा दो सौ संतानवे इंटू चार सौ बीस दो सौ संतानवे इंटू चार सौ बीस गड़बड़ी थोड़ी सी भी भारी पड़ जाएगी गड़बड़ी थोड़ी सी भी भारी पड़ जाएगी ध्यान रखना रटना मत रटना मत ठीक है ना अगर आप सभी लोगों को मेरा यह जुगाड़ सही लगा यह ट्रिक समझ में आ गया तो एक बार यार कमेंट बॉक्स में क्या हो जाना चाहिए फायर क्या हो जाना चाहिए फायर कमॉन फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या हो जाना चाहिए फायर हो जाना चाहिए एक बार सभी लोगों को अगर यह बात समझ में आ गई अगला क्वेश्चन है रेलवे का विच वन इज नॉट द साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड ट्रिम्ड ड्रॉइंग सीट अब सर यह ससुरा का चीज ये क्या है सर ट्रिम्ड ड्रॉइंग सीट क्या होता है हा डियर अभी हम आपको यही समझाने जा रहे हैं ट्रिम्ड साइज और साइज क्या होता है दो मिनट रुको अभी बताते हैं ठीक ना तुम साइज हम जो तुमको पढ़ाए हैं ये ये सारा क्या है ट्रिम्ड साइज मतलब तो पाठ से समझ जाओगे ठीक है ना तुम बताओ मेरे को कौन सा स्टैंडर्ड साइज नहीं है देखो ये ए जीरो का है हाँ सर फिर ग्यारह सौ नवासी का आधा करेंगे तो कहीं ना कहीं पांच और आठ आता है लेकिन पांच छियानवे नहीं आता है ये तो गड़बड़ है गुरु जी ये नहीं आता है ये आता है सर 210 सो दो ये ए फोर है सर और दो सौ संतानवे और चार सो बीस अरे सर दो सो संतानवे और चार सो बीस सर ये थ्री है अरे रे 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 रे। क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट कौन सा नहीं है यानी क्या है ऑप्शन नंबर बी समझ गया समझ गया माइडिया ठीक है ना आई होप समझ गया क्लियर है चलो अगला क्वेश्चन है डेजिग्नेशन ऑफ सीट ऑफ द साइज पांच सौ चौरानवे आठ सौ इकतालीस एज पांच सौ चौरानवे इंटू आठ सौ इकतालीस आकार की सीट का नाप तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा ठीक है ना पांच सौ चौरानवे आठ सौ इकतालीस को ध्यान से देखिएगा क्या होगा पांच सौ चौरानवे आठ सौ इकतालीस क्या होगा डियर क्या होगा ए वन बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या हो गया ए वन इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर ठीक है बहुत अच्छे ठीक है ना अब और आगे चलते हैं यार अच्छा 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 पीछे हो पीछ हो पीछे पीछे अरे पीछे हो पीछे अरे भैया चले गए समझ में आ गई बात अभी तो ड्राइंग का पहला पेज खोले हैं यार अभी तो ड्राइंग का पहला पेज खोले हैं अभी तो तुम देखते जाओ कैसे उड़ाते हैं सब कुछ ठीक है तो किस तरीके से हमने ये देखा ठीक है ना अब तुमसे हम क्वेश्चन पूछते हैं सबसे बड़ा ड्राइंग सीट कौन सा होता है तो सर सबसे बड़ा ड्राइंग सीट होता है ए जीरो अब जैसे ये क्वेश्चन है विच ऑफ द स्मॉलेस्ट ड्रॉइंग चार ऑप्शन में से बताना है मैंने आपको सबसे छोटा बताया ही नहीं है, ठीक है ना तो सर क्या करना है तो आपको चार ऑप्शन मैंने आपको सिर्फ सबसे बड़ा बताया है। सबसे छोटा मैंने अभी तक नहीं बताया है अगर सबसे छोटा नहीं बताया तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बताओ सबसे छोटा कौन सा होगा तो आपको इन चारों में से देखकर है बताओ जरा कौन सा होगा बताइए कौन सा ड्राइंग सीट सबसे छोटा होता है कौन सा ड्राइंग सीट सबसे छोटा होगा इसमें परफेक्ट आरबी गेमिंग ए फोर बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कौन सा होगा सबसे छोटा सर ए जीरो सबसे बड़ा है A2, A1, A2, A3, A4। आहा। देखो ए टू ऑप्शन में से देखना है। जैसे कि हमको पता है ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए ऐसे चलता है ना तो अभी चार ऑप्शन में सबसे छोटा कौन सा ए फोर अब रट मत लेना रटने वाले इसीलिए फेल हो आहा एक और करेंगे ड्राइंग के साइज पे एज पर आई एस नाइन सिक्सिगनेशन ऑफ ड्रॉइंग नौ सो बासठ डैश उन्नीस सौ सड़सठ के अनुसार आरेखन सीट आकार आठ सौ इकतालीस गुणे ग्यारह सो नवासी एम एम है क्या है बताइए जरा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ चार सौ फंस गया रे इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम पे इसलिए हमको भरोसा नहीं आठ जगह इकतालीस चार लिखे बता दे ये इंग्लिश मीडियम भरोसा नहीं होता चार सौ इक्यासी लिखा था क्या होगा माइडिया सबसे बड़ा सबसे बेहतरीन ठीक है ना बड़ा है तो बेहतर है बड़ा है तो बेहतर है क्या होगा ए जीरो क्या होगा ए जीरो बहुत अच्छी आहा, रुकिएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड ए टू ड्रॉइंग सीट का परिमाण है ए टू ड्रॉइंग सीट कैसा है बताना जरा तो सर याद कैसे रहेगा अरे यार तुमको ए जीरो बता दिया ना। तो क्या करें सर ए जीरो के बाद देखो ए वन आएगा तो क्या होगा ग्यारह सौ नवासी का आधा होगा हाँ सर ग्यारह सौ नवासी का आधा होगा पांच सौ चौरानवे और इसका होगा चार सौ बीस ए टू होगा तो चार सौ बीस का आधा होगा दो सौ दस नहीं नहीं सॉरी 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 आठ सौ इकतालीस यहाँ पूरे पूरे आएगा ना फिर आठ सौ इकतालीस का आधा चार सौ बीस और ये पांच सौ चौरानवे यहाँ पूरा है तो चार सौ बीस बड़ा पांच सौ चौरानवे कहाँ लिखा है ए इज द राइट आंसर ए इज द राइट आंसर बिल्कुल डेली क्लास है डेली दस बजे रात में क्लास होगी आप लोग टाइम नोट कर लीजिए डेली मैं दस बजे आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा डेली रात में दस बजे मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा हाँ बी क्या ए का पूछा है भाई हरिओ सांभा चार सौ बीस गुणे पांच सौ चौरानवे चार सौ बीस गुणे पांच सौ चौरानवे ए इज द राइट आंसर कौन बी बता रहा है बी बिल्कुल गड़बड़ है अभिजीत भैया थोड़ा ध्यान से हा रुक जाओ अभी हाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट के लिए ए जीरो साइज की माप क्या है व्हाट इज द साइज ऑफ ए That is 841 into 1199. देखो डियर इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे भर भर के पूछे जाते हैं और इसी तरह आप सभी लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे ठीक है तो आप लोग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आज तो मैंने आपको बस एक बेसिक चीज बताया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने टाइप के पेपर होते हैं तो सर आप लोग आज मुझे ये बताइए क्या आप लोग घर पे मेरे को बताइएगा ध्यान से क्या आप लोग घर पे आज ए जीरो से लेकर ए बारह तक के सारे ड्राइंग सीट का माप आज घर पे लिख सकते हो अपने आप से अगर आप लोग लिख सकते हो तो एक बार जरूर लिखना आठ सौ इकतालीस उन्हें ग्यारह सौ नवासी पहला बता दिया है ए ट्वेल्व तक जानना है ठीक है ए जीरो से ए बारह तक क्या आप लोग लिख सकते हो अपने आप बिल्कुल लिख सकते हो और अगर लिख सकते हो तो एक बार जरूर लिख कर देखना ठीक है ना ध्यान रखें मैं एक बार और आपको दिखा देता हूं आठ सौ इकतालीस इधर जाएगा ग्यारह सौ नवासी का आधा इधर आएगा ठीक है ना इस चीज को ध्यान रखना इस वीडियो को बहुत कायदे से देखना और कल मैं आपको बताऊंगा ये अनट्रिम्ड साइज और ट्रिम्ड साइज क्या होती है तो आज के लिए ये सेशन को इतना ही रखते हैं ओके तो ध्यान रखिएगा क्लासेस डेली चलेंगे क्लासेस डेली चलेंगी अभी इसका आ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजों को लेकर आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं आप देखो मैंने आपके सामने एक चीज डिस्कस किया और उससे कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए है हैं ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और इसके ट्रिक क्या है देखो मैंने एक भी चीज याद नहीं करा बस ये याद करा एक छोटी सी चीज ये आठ सौ इकतालीस गुणे ग्यारह सौ नवासी सबसे बड़ा ड्राइंग सीट ए जीरो ठीक है ना तो आई होप आज के बाद अगर आप कभी भी एडमिट कार्ड को ऐसे मोड़ के जेबी में रखेंगे अपने जेब में रखेंगे तो आपको मेरी याद जरूर आएगी इस सर बताए थे ए सेवन होता है समझे तो आप एक कागज लेना और उसको मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के ये निकालना कि ए तेरह क्यों नहीं होता है ए बारह तक ही क्यों होता है आपको समझ में आ जाएगा ए फोर के आगे मोड़ने की कोशिश करना क्योंकि ये पन्ना तो ए फोर था ठीक है ए बारह तक ही क्यों जाता है ए तेरह क्यों नहीं होता आपको अपने आप समझ में आ जाएगी मेरी बात ओके ओके सो आई होप ये सेशन ये आपको अच्छा लगा होगा ये मेरी ट्रिक आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा अपने प्यार को इसी तरह बरसाते रहिए मैं आप लोगों को एक बार और याद दिला दू यहाँ जो है मैं आप लोगों को डेली क्लास ले रहा हूँ और डेली आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ डेली एट द रेट टेन पी डेली दस बजे रात में आपसे मैं मुलाकात करूंगा धीरे धीरे ये कार्यवा बढ़ता चला जाएगा और एक क्लास से दो क्लासेस धीरे धीरे आपको दिखाई देने लग जाएंगे ठीक है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग पार्ट ऑफ सेशन सो टिल देन एंजॉय बाय बाय तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय जै। भारत